कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? हाँ, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड पिछले क्लास में खत्म किया है ना, हेडिंग डालना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, एमाइंस हम लोग याद होगा तो एमाइंस हम लोग क्या देखे थे कि एमाइंस तीन तरीके का होता है और इसमें थोड़ा सा डिग्री जो है ना, डिफरेंट डिग्री जो होता है एमाइंस का, वो उसका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे क्या होता है कि 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल या फिर कुछ भी डिग्री तुम कहो, ठीक है, वो उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होता, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन एमाइंस में यदि हम लोग डिग्री चेंज करेंगे ना तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तीन तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा RnH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है R, ठीक है, NH, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या रख दिए R, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग करें R, ठीक है, N, ये R और ये R, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री एमाइन। बोलो, बात समझ में आ रहा? तीनों के पास हम लोग एक एक करके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, R NH2 वाले को, कि किस तरीके से हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। बेसिक तो तुमको आई थिंक पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग नाम लिख रहे हैं, ठीक है। बस हमको क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स थोड़ा सा बताना रहेगा कि किसका क्या प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे और किसका क्या सफिक्स लिखेंगे। तो NH2 का सफिक्स जो होता है वो एमाइन होता है, ठीक है, डैश डैश NH2 जो यदि रहेगा तो इसका सफिक्स, ठीक है, सफिक्स जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एमाइन, ठीक है। बात समझ में आया? और इसी का यदि हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं एमिनो, ठीक। और ये कोई कार्बन इसमें नहीं है, ये वैसा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई कार्बन नहीं है। थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को, कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जो विच कंटेन कार्बन, और यदि कार्बन से हम कंटेन कर रहा तो उसका स्पेशल सफिक्स होता है। बात समझ में आया? लेकिन जो कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है उसका तुम स्पेशल सफिक्स नहीं देखोगे, जैसे कि एल्कोहल का स्पेशल सफिक्स नहीं है, थायो एल्कोहल का कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है। बात समझ में आया? और नंबरिंग हम लोग कार्बन चेन का करते हैं। एल्कोहल में तुम देखते होगे एल्कोहल का ओएच बीच में है, तो ऐसा नहीं करते हैं कि जिस ओएच से कार्बन अटैच है उसको हम वन मानते हैं, ऐसा मानते थे क्या? नहीं, हम लोग नंबरिंग उधर से करते थे जिधर से ओएच नजदीक आए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? उसी तरीके से SH जिधर से नजदीक आएगा नंबरिंग वैसे करेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है इसीलिए हम उसको वन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबरिंग किसका होता है, कार्बन का होता है। बात समझ में आया? तो वैसे फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन, तो नंबरिंग हम लोग वहां से चालू कर देते हैं, इफ वी टेकन एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको वन लिख करके हम लोग फिर नंबरिंग करते हैं। लेकिन यदि वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन नहीं करता, यदि वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन को कंटेन नहीं करता है, तो हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है। बात समझ में आया? क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो इसका हम क्या बोले कि इसका तुम्हारा सफिक्स क्या होगा, एमाइन होगा, और प्रीफिक्स क्या होगा, एमिनो होगा। क्यों? क्योंकि ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में, कि बाकी सब में तो 1 2 3 वहीं से चालू कर रहे हैं, लेकिन OH, अब तुम्हारे सामने OH आ जाएगा, SH आ जाएगा या NH2 आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे ना, जस्ट उसके नीचे वाले कार्बन से चालू कर दोगे। जैसे सपोज दैट हम ये कहना चाह रहे हैं ये C, 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 ठीक है, C, C ऐसे करके, और यहाँ NH2 रहेगा,
तो तुम क्या करोगे, इसको वन बोलोगे, लेकिन ये वन नहीं होगा। हमको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन। हम क्या बोल रहे हैं, तो ये होगा, और नंबरिंग किधर से होगा, ये होगा जिधर से नजदीक आ रहा है NH2। लेकिन वही यदि यहाँ पे, चूंकि विच डू नॉट कंटेन कार्बन, लेकिन यही यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता, CHO रहता, तो ये तो कंटेन कर रहा कार्बन, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम CHO बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन। समझ में आ रहा, तो ये हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे वन लेंगे, टू लेंगे, और ये थ्री, और ये फोर, और ये फाइव होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये दोनों क्या हो जाता, साइड चेन। बात समझ में आ रहा कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को कंटेन कर रहे हैं, और वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को कंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज थोड़ा सा हम आपके लिए क्या किए, थोड़ा सा क्लियर किए इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। तो अब IUPAC यदि हम बात करें, ठीक है, कि इसके लिए हम लोग IUPAC जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो IUPAC में हम लोग क्या करते हैं, जो पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट रहता है, और फिर क्या रहता है, सफिक्स रहता है। सफिक्स बता दिए हैं, सफिक्स क्या कहिए, एमिनो बताए हुए है ना, और इसका नाम IUPAC हो जाएगा अल्केनामाइन। एमाइन है, अल्केन, अल्केन का ई हटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां क्या है, ये वोवेल है, ए है, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, एमाइन। समझ में आया, ये हो जाएगा, या फिर हम लोग चाहें इसको एमाइन अल्केन भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तुमको ये मिलेगा, ठीक है, एमाइन अल्केन, ठीक है, ये भी तुमको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब यही इस्तेमाल तुमको होगा, लेकिन ये भी लिखा हुआ है तो करेक्ट माना जाएगा। बात समझ में आया, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, लिखते हैं किस तरीके से हो रहा है। हाँ, ये जैसे कि तुम्हारा CH3NH2, ठीक है, उसके बाद CH3CH2, और ये क्या हो जाएगा, NH2। ठीक, आगे यदि हम जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, CH3CH2, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ना NH2, और ये तुम्हारा हो जाएगा CH2, और ये NH2। समझ में आ रहा किस तरीके से हम लिख रहे हैं, देख लो जरा सही है, और ये तुम्हारा NH2, ठीक है, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं CH3 CH NH2 CH2 CH3, जो बात कहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना, नंबरिंग वाला, ठीक है, उसके बाद NH2, ये चलो बताओ नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या नाम होगा, इथेनामाइन या मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, इसका नाम क्या होगा, इथेनामाइन, ठीक है, दो कार्बन हो गया। इसका बताओ क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन कौन होगा, ये होगा, होगा, और नंबरिंग क्या, ये वन होगा और ये टू होगा, और दो ही है तो वन टू पे तुम्हारा रह सकता है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन, और ई इस बार लिखेंगे क्योंकि डाई एमाइन होगा, ये क्या होगा, -1, 2 डाई एमाइन, इसका नाम बताओ क्या होगा, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लो हेक्सेनामाइन होगा ना, क्या होगा, साइक्लो हेक्सेनामाइन, इसका बताओ क्या होगा, ये होगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, बताए थे ना एन वाले को यहां नहीं देना, ये होगा 1, 2, 3, 4, और क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन, ब्यूटेन -2 -एमाइन। समझ में आया कैसे चल रहा, हाँ,
ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबरिंग कहाँ से, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, और ये बी आर क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स होगा ना। क्या लिखेंगे हम, वन ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे साइक्लो, और उसके बाद पेंट डैश पेंटा होगा ना, डबल बॉन्ड एक बार से ज्यादा है पेंटा, ये ध्यान में रखना कहीं छूट जाए तो उसको थोड़ा ठीक करना, पेंटा डैश टू कॉमा फोर, ठीक है, डाई ई एन इनेमाइन लिख सकते हैं ना, ई एन एमाइन, क्योंकि एमाइन तो पहले पे ही है, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो वन एमाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और छोड़ोगे तो इसका मतलब पहला पे ही है, ठीक है। हाँ, यदि पहला पे नहीं है तो फिर नंबर बताओ, वो फिर कंपलसरी हो जाएगा, और फर्स्ट पे है तो छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कॉमन नेम है, थोड़ा याद रखना, इथाइलिन डाइएमाइन। कल तुम्हारे नोमेनक्लेचर क्लास का लास्ट डे रहेगा, आज आईयूपीएससी हम लोग का खत्म हो जाएगा, कल केवल और केवल कॉमन नेम पढ़ेंगे, एकाध जो बचेगा वो कल लेंगे, और मतलब कल का क्लास केवल कॉमन नेम रहेगा, और कल आपका फिनिश होगा। परसों से हम लोग क्या देखेंगे, जीओसी, विच इज बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम एंटर कर रहे हो, समझ में आया, ये बस स्वागत था, ठीक है, बात समझ में आया। चाय कॉफी टाइप का होता है ना, पार्टी में गए तो चाय कॉफी थोड़ा सा पिए, उसके बाद फिर किस क्या करते हो, उसके बाद फिर है? नहीं नहीं मेन कोर्स तो बाद में आएगा, स्टार्टर, जीओसी स्टार्टर है, समझ में आया। वो रेस्टोरेंट में जाने वाला नहीं, किसी के शादी पार्टी में एकदम ग्रैंड है वैसा, जो सारा चीज है, ठंडा ठंडा का दिन है, तो क्या पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा पी लिए या फिर चाय कॉफी, तो यही है ये। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, स्टार्टर में, तो स्टार्टर क्या है तुम्हारा, वही जीओसी तुम्हारा, और आइसोमेरिज्म भी मान के रखो, ठीक है। और मेन कोर्स में फिर हम एंटर करेंगे हाइड्रोकार्बन के बाद, हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद जो अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे ना, वो तुम्हारा जबरदस्त है वास, मतलब वो वहां तक तुम मेहनत किए, फिर तो उसके बाद हम बोर्ड पे केवल लिख के भी चले जाएंगे, बिना समझाए हुए तो तुमको समझ में आएगा एकदम गारंटी, लिखित, समझ में आया क्या बोले। यदि वहां तक बस तुमको मेहनत करना है, उसके बाद हम जो भी पढ़ाएंगे ना, केवल बोर्ड पे लिख के भी जाएंगे ना, बिना कुछ बोले, फिर भी तुमको समझ में आएगा हम क्या लिखे हैं और क्या ये बोल रहा है कॉन्सेप्ट, वो समझ में आने लगेगा, मतलब सब्जेक्ट का इतना तुमको समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आया बात समझ में, तो ये चीज हो गया। उसके बाद कॉमन नेम भी बता दिए, इथाइलिन डाइएमाइन। अब हम लोग आ रहे हैं 2 डिग्री वाला पे, ये 1 डिग्री एमाइन हम लोग देखें कैसे लिखा जाता है, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है, बस आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं 2 डिग्री वाला। तो ये क्या होगा, 2 डिग्री वाला ये है ना, देख लो जी ये है। तो 2 डिग्री वाला का बात करें तो क्या है ये R NH R, तो ध्यान में रखना कि ये एक वाला एक R जो रहता है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल, एक पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल। याद है हम लोग एमाइड का जब लिखे थे तो क्या लिखे थे, NN करके लिखते थे ना, याद आ रहा है। तो इसमें भी देखो N से जुड़ा हुआ है, तो यहां भी एन एन वो लिखना पड़ेगा, एन कॉमा एन वाला वो बताते हैं सब। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा अल्काइल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेन चेन जो अटैच रहेगा तुम्हारा एन से, नाइट्रोजन से। देखो क्या बोल रहे हैं हम, जैसे कि तुम्हारे पास ये रहेगा CH3, ठीक है, NH, और ये क्या रहेगा CH3। तो बेसिकली नाम हम क्या बताना चाह रहे हैं, अल्काइल अल्केनामाइन, ठीक है, क्या हम बताना चाह रहे हैं इसका नाम, अल्काइल अल्केनामाइन, ठीक है, बात समझ में आ रहा। और ये अल्काइल किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एन सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, एन अल्काइल अल्केनामाइन, समझ में आया क्या बोले। तो एक पार्ट किसी, अच्छा ये अल्केनामाइन जो रहेगा वो
वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा, यानी पैरेंट चेन, ऐसा समझो पैरेंट चेन, ये तुम्हारा पैरेंट चेन, और ये वाला छोटा वाला पार्ट जो रहेगा वो ये वाला स्मॉल पार्ट, वो दूसरा एग्जांपल में और अच्छे से समझ में आएगा। तो बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल मिथेनामाइन, यही लिखेंगे ना, और मिथाइल किस पे है, एन पे है, तो एन मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम ले CH3 CH2 NH, और ये CH3, बताओ नाम क्या होगा इसका। अब छोटा वाला कौन है, ये है ना, तो इसके लिए क्या लेंगे, एन मिथाइल, और दो कार्बन है ये, तो क्या ले लेंगे इसके लिए, बोलो इथेनामाइन, ये छोटा लिखना यहाँ, बात समझ गया कैसे लिख रहे हैं, आसान है एकदम, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो। ठीक, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है CH3 CH CH3, ये रहा NH, और इससे जुड़ा हुआ है CH2, और ये CH3। अगला एग्जांपल है CH3 CH2, और ये आ जाएगा N, और इससे तुम्हारा ये रिंग। ठीक, उसके बाद फिर है तुम्हारा नेक्स्ट CH3 CH2 CH CH3, और ये आ जाएगा NH, और ये रहेगा CH2 CH3, ये रहेगा। और एग्जांपल्स, चलो इतना सफिशिएंट, बताओ कैसे लिखोगे इसको। बोलो जी, अब देखो यहां पे लॉन्गेस्ट तुम किसको लोगे, पैरेंट कार्बन चेन किसको लोगे, ये वाला या ये वाला ऊपर वाला, तीन कार्बन है। हम क्या बोले थे, तुमको ये नहीं देखना है कि N बीच में है कि कहां है, समझ में आया, तो नंबरिंग कहां से करेंगे इसका बताओ, तो ये वाला का यहां से, इस कार्बन से नहीं, समझ में आया ना, तो ये होगा तुम्हारा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और ये क्या होगा तुम्हारा इथाइल, तो क्या लिखेंगे, N इथाइल होगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और डैश 2 amine। क्लियर हुआ क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब इसका बताओ क्या होगा, ये देखो इसमें कितने कार्बन है, केवल 2 कार्बन है, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन, क्लियर है। तो बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, N इथाइल, इस बार N इथाइल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये तुम्हारा पेरेंट कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा, N इथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन। समझ में आया, अब बताओ इसका लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला होगा, ये तुम्हारा देखो लॉन्गेस्ट हुआ, ये होगा 1 2 3 और 4, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्काइल वाला पार्ट, तो क्या लिखेंगे, N अल्काइल। ठीक है, और 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेन और 2 amine, तो ये रहा तुम्हारा 2 degree वाला पार्ट। ठीक है, अब जब हम लोग 3 degree में आएंगे ना, यानी कि हाँ बोलो, हाँ अच्छा सॉरी अल्काइल लिख दिया, इथाइल होगा। समझ में आया क्या कर रहे हैं, अब देखो ये 3 degree आ गया, तो N एक के लिए लिखते थे, अब 2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, N N। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, N N। अब इसका कुछ एग्जांपल देखो, आज आ जाओ, बड़ा लेट है। अब इसका देखो कुछ एग्जांपल्स,
जैसे कि इस साइड में मिटाएं क्या? ये देखो एक और फंक्शनल ग्रुप ऐड करके दिए कीटोन। तो अब ध्यान में रखना क्या होगा, अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप को हम बदल दिए, यानी कि उसको प्रीफिक्स में डाल रहे हैं। और ध्यान में रखना कभी भी यदि डैश एन आर NHR, ठीक है, ये तुम्हारा प्रीफिक्स हो, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे एन अल्काइल एमिनो। प्रीफिक्स क्या, अल्काइल मतलब हो गया ना मिथाइल इथाइल जो भी है, इसको क्या लिखेंगे एन अल्काइल एमिनो ये लिखते हैं। और वही डैश एन आर R रहेगा तो लिखेंगे N, ठीक है, कॉमा N डाई अल्काइल या अल्काइल अल्काइल करो, लेकिन यदि सेम टाइप का अल्काइल हो गया तो क्या कर देंगे डाई अल्काइल, यानी दोनों तरफ मीथेन मीथेन रहा तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल एमाइन एमिनो, ठीक है। प्रीफिक्स में यदि लिखना हो तो ध्यान में रखना प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं हम, एन एन अल्काइल अल्काइल एमिनो, ये ध्यान में रखना प्रीफिक्स की बातें हम कर रहे हैं। सॉरी यहाँ पे हम लगता है एन लिख दिए, एन नहीं, ये केवल उसके लिए इस्तेमाल होगा अल्काइल अल्काइल एमिनो। हाँ अब बताओ नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन मेन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये होगा ना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे, क्या लिखेंगे इसको एन एन नाम, बेसिकली इसका नाम क्या होगा, ये तब होगा जब प्रीफिक्स में लिखना होगा तब, अभी वो प्रीफिक्स में नहीं है, या प्रीफिक्स में आ गया, प्रीफिक्स में नहीं है यार, ठीक है, या प्रीफिक्स में लिखेंगे, सोचो जरा सा मेन कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 वाला, ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे उसको, हाँ N कॉमा N, ठीक है, डाई मिथाइल और दो कार्बन का क्या हो जाएगा इथेनामाइन, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका बताओ क्या हो जाएगा, किसी एक को मानो ये पैरेंट, तो एक तरफ इथाइल होगा और एक तरफ मिथाइल होगा, पहले किसको लिखेंगे इथाइल को, तो क्या लिखेंगे एन इथाइल, ठीक है, और एन बोलो मिथाइल होगा, एन इथाइल एन मिथाइल, और दो कार्बन का क्या हो जाएगा इथेनामाइन। इसमें बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा, ये वाला होगा, यही होगा ना, देख लो अब ये होगा 1 2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, नाम क्या लिखोगे उस साइड वाले के लिए, लिखेंगे N,2,2 ट्राई मिथाइल, एक केस आया था ना ये वाला, याद होगा तुमको कल ही बताया है, ट्राई मिथाइल और ये क्या हो जाएगा प्रोपेनामाइन, ठीक है। अब इसका बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा बोलो,
कौन सा होगा, ये वाला या ऊपर से नीचे? हाँ ऊपर से नीचे ये होगा, क्योंकि n डायरेक्टली अटैच है ना, तो हम वहां से लेंगे तो ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, और टू पे क्या है मिथाइल, इधर मिथाइल है और उधर क्या है इथाइल, तो पहले किसको लिखेंगे इथाइल को, ध्यान में रखना ये जो n लिख रहा है ना अल्फाबेटिकल में n को काउंट नहीं करना है, अल्फाबेटिकल में n को काउंट नहीं करना है, तो पहले किसको लिखेंगे इथाइल, तो इधर वाला तो n का पार्ट है ना, तो लिखेंगे n इथाइल, ठीक है, उसके बाद डैश टू मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपेन डैश टू डैश एमाइन, समझ में आया, देख लो ये और छूट रहा है क्या, हाँ यहाँ पे, अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये आ गया, कीटोन है ये जी, कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ क्या लिखेंगे वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, और फोर पे क्या आ रहा है, देखो इस तरीके का आ रहा, दो आर आ गए ना, यानी क्या ये इस तरीके का है, तो उसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे अल्काइल अल्काइल एमिनो, तो यहाँ क्या लिखेंगे डाइमिथाइल एमिनो, क्योंकि दोनों क्या है अल्काइल सेम है, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या लिखेंगे डाइमिथाइल, तो बताओ नाम क्या लिखेंगे इसका फोर, और ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया ना, फोर डैश ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डाइमिथाइल एमिनो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और क्या बचा साइक्लो हेक्सेनॉन, होगा क्या कीटोन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे हेक्सेनॉन, इसका बताओ ये होगा वन, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तुम्हारा सबसे ऊपर, टू और ये थ्री, ठीक है, और ये होगा एन पे क्या इथाइल, तो पहले नाम क्या लिखेंगे उसको, अच्छा ये कौन सा, ये वाला देखो जरा सा कि ये कौन सा प्रीफिक्स आ गया, किस टाइप का, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन किस पहला वाला, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अल्काइल एमिनो, यानी कि ये क्या होगा इथाइल एमिनो, तो नाम क्या लिखेंगे थ्री, ठीक है थ्री, हाँ थ्री पे तुम्हारा ब्रैकेट स्टार्ट और ये इथाइल एमिनो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और उसके बाद तीन कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड, देखो जी, तो ये तुम्हारा एमाइंस का नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना लिखने के बाद नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड,
आईयूपीएससी ऑफ, ठीक है, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में स्टार्टिंग में ही बताए थे ना, बाईसाइक्लो स्पाइरो बताए थे ना, अब उसका नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो। हम किसको कहे थे, जिसमें बाई का मतलब क्या, दो, दो साइकिल विथ कॉमन फेस, दैट इज कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। यही बोले थे ना, बाईसाइक्लो में क्या बोले थे कि वैसे दो साइकिल, दो रिंग मिलेंगे जिसमें कॉमन फेस होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं तुम्हारा, ये देखना जरा, समझना ये, ठीक है, या फिर तुम्हारा हम लिख देते हैं इसी में तुम्हारा दो कर देते हैं, एक्स्ट्रा हटा देते हैं, ये तुम्हारा ऐसा, ये देखो, बात समझ में आया। ठीक है, या फिर और हम कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ये, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, ये, और इसी का वर्जन है, मतलब इसी को थोड़ा सा हम लोग देखें, इस तरीके से ये नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा ये, इसको थोड़ा, कितने कार्बन है साइड में, 6 कार्बन है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये जगह पे दो कार्बन है, तो देखो 1 2, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है और बगल वाला 3D रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया, देख के डरो नहीं, ठीक है, अभी तो कंपाउंड आया ही कहाँ है, जो डरने में थोड़ा डर लगे, बात समझ में आया, डर कुछ नहीं लगेगा, बहुत आसान है सर। अब नाम लिखना है इसका, कैसे नाम लिखोगे, देखो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा चीज है इसका। सबसे पहले जो है ना, ये वाला जो एटम होता है ना, ये वाला जहां से ये कॉमन फेस जो है, इस वाले एटम को, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड, यानी ब्रिज का हेड, दोनों के बीच में ब्रिज है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ठीक। अब मान लेते हैं ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, तीन, एक कौन सा है ये है, एक कौन सा है ये है, और एक कौन सा है ये है, ठीक है, बात समझ में आया। अब नाम लिखने का तरीका, एक, अब इसके बीच में रास्ते में कितने कार्बन पड़ रहे हैं उसको हम मान लेते हैं एक्स, और यहाँ रास्ते में y, और यहाँ मान लेते हैं z, तो x बराबर क्या होगा 2, y बराबर क्या होगा 1, और z बराबर क्या होगा 2। समझ में आया, यानी इन दोनों कार्बन को छोड़ दो और बाकी देखो कितना कार्बन बीच में नजर आ रहा है, ठीक है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, यानी नाम लिखने का तरीका होगा साइक्लो, सॉरी बाई साइक्लो, ठीक है, बाई साइक्लो, ठीक है, और ब्रैकेट बीच में कितने तरीके से हम लोग जा सकते हैं, तीन तरीके से, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि क्या हो जाएगा 2, 2, 1, सही है, तो क्या लिखेंगे 2, 2, 1, और टोटल कितने कार्बन है, नहीं, हाँ टोटल कार्बन में तो ऐड होगा 7, तो क्या लिख देंगे हेप्टेन। सबसे आसान बाईसाइक्लो ही होता है, कोई लफड़ा नहीं, समझ में आया। और तरीका क्या करो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा बाईसाइक्लो, ठीक है, ये आईयूपीएससी का तरीका, बाईसाइक्लो, और उसके बाद लिखना तुम x greater than equal to y greater than equal to z,
जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखो, बड़ा से छोटा जाना है, इज दैट क्लियर? वैसे रास्ते पकड़ना है जिसमें बड़ा से छोटा हम लोग जा सके, उतने कार्बन तुमको लिखने हैं, कितने कार्बन है वो लिख देना बस। और ये टोटल ये वाला जो पार्ट आता है ना वो कैसे आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस टू, प्लस क्या करेंगे टू, ये टू कहां से लिए, तो इधर से तो कार्बन हम जोड़ दिए, ये दोनों कार्बन को नहीं जोड़े थे, तो क्या कर देंगे टू, और क्या लिखेंगे ए एन ई, यानी ये तुम्हारा टोटल क्या बताएगा, वर्ड रूट। अब इसको ट्राई करो जरा सा, कितने कार्बन इधर से कितने हैं, पहले क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे थ्री कॉमा थ्री कॉमा जीरो और तीन तीन छह सात आठ यानी ऑक्टेन, समझ में आया। इधर बताओ किधर क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो वन कॉमा जीरो और दो चार यानी कि ब्यूटेन, जाला इसका बताओ क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है कितना दो कॉमा टू कॉमा टू कॉमा टू यही होगा ना, हाँ छः दो आठ टोटल छः और दो आठ यानी ऑक्टेन, खत्म फिनिश संभला, समझ में आया बाईसाइक्लो का नाम। और एग्जांपल्स कुछ देते हैं, अब इसी में यदि तुम्हारा आ जाएगा ऐसा, अपने से भी बना के लिख सकते हो, देखो चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो होगा और तीन दो पांच छह के लिए क्या होगा, तीन दो पांच सात के लिए ना हेप्टेन, ठीक इसका बताओ क्या होगा बाईसाइक्लो, ठीक है चार कॉमा तीन कॉमा जीरो और चार तीन सात आठ नौ नोन एन, अंडरस्टूड। बाईसाइक्लो के बाद हम लोग देखेंगे स्पाइरो, ठीक है स्पाइरो, नेमिंग ऑफ ए स्पाइरो कंपाउंड, ये नहीं उसके बीच में कितने कार्बन है, इस पॉइंट को छोड़ दो और उसके बीच में कितने कार्बन आ रहे, एक भी नहीं, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। हेप्टेन का मतलब अब टोटल कार्बन काउंट करना है, तो इधर हुए तीन, इधर हुए दो पांच और ये दोनों भी तो जुड़ना है ना, ये पॉइंट दोनों कार्बन ही तो है, तो तरीका क्या होगा, इधर वाले सबको जोड़ दो और दो और एक्स्ट्रा जोड़ दो जिस पॉइंट से हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब स्पाइरो में क्या बोले थे, टू रिंग रहेंगे विथ कॉमन सिंगल कार्बन, एक कार्बन दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, बात समझ में आया, ये चीज बताए थे। तो बताओ क्या किस तरीके से एग्जांपल हम इसका देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा ये हो गया, ठीक है और क्या लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है उसके बाद ये हो गया, देखो कॉमन सिंगल ये वाला कार्बन क्या है, कॉमन है ना, ये वाला कार्बन क्या है, कॉमन है, उसके बाद क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो देखो ये हम एक बताते हैं, इसमें क्या है तुम्हारा, ये कार्बन क्या हो गया, कॉमन हो गया और दो रिंग हो गए, ठीक है। अब नाम लिखने का तरीका, अब इसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, स्पाइरो, क्या लिखेंगे स्पाइरो, ठीक है। अब देखो उधर उसके बाद क्या लिखते थे, कितने कार्बन साइड साइड में है, यही लिखते थे ना, इसमें भी वही लिखना है, कितने कार्बन साइड साइड में है, तो बताओ कितने कार्बन है, दो और दो, लेकिन बस बात ध्यान में रखना उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यानी कि जिधर से
लॉन्गेस्ट यानी कि जिधर ज्यादा कार्बन है उधर फिर कम, लेकिन इधर इसका उल्टा लिखना है, कम वाले को पहले और ज्यादा वाले को बाद में, समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों तरफ चूंकि दो ही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2.2 और इसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि इसका कॉमन कितना है, मतलब एक ही है ना, इसको काउंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसको काउंट नहीं करते थे, इन दोनों को, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 2, ठीक है, लेकिन इस बार हम किसको काउंट नहीं कर रहे थे, इसको, तो ऐड कितना करेंगे, 1, समझ में आया? तो ये तुम्हारा 4 और हो गया 5, दैट इज पेंटेन। इसका नाम बताओ क्या होगा, स्पाइरो, क्या होगा, 4.2 या फिर 2.4, 2.4 क्या हो जाएगा, 2.4 और एक ऐड करो, 4 तो 6 और 7 हेप्टेन, इसका बताओ क्या होगा, स्पाइरो, स्पाइरो 3.4 यही होगा ना, और 4 3 7 और 1 8 ऑक्टेन, इसका बताओ क्या होगा, स्पाइरो, उसके बाद क्या होगा, 2.5, 5 2 7 ऑक्टेन, एक बड़ा दो, ये हो गया स्पाइरो कंपाउंड का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो और स्पाइरो का भी देख लिए नाम कैसे लिखा जाता है। अब हेडिंग डालना, यानी ओपन चेन पूरा समाप्त हो गया है, अब एरोमेटिक का देखेंगे, यानी बेंजीन रिंग यदि रहेगा और उसमें कुछ जुड़ा हुआ रहेगा या बेंजीन रिंग से रिलेटेड है तो उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे वो चीज, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देखा, हेडिंग डालना कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेडिंग लिखे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऐसे लिखो एरोमेटिक कंपाउंड, और यदि एरोमेटिक कंपाउंड तुम नहीं लिखे हो बेंजीन डेरिवेटिव लिखे हो तो ब्रैकेट में एरोमेटिक कंपाउंड लिख दो। हम यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेंजीन, तुम्हारे लिए अभी जो है एरोमेटिक कंपाउंड वो केवल बेंजीन और उसमें लगे हुए कुछ ग्रुप रहेंगे, ठीक है। एरोमेटिक का पूरा कंडीशन क्या है या हम लोग किसको एरोमेटिक कहते हैं, क्या क्या उसके कंडीशंस हैं, वो सारा हम लोग तब पढ़ेंगे जब जीओसी में रेजोनेंस वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे, तब तब फिर वो तुमको समझ में आएगा कि एरोमेटिक कहते किसको है, ठीक है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि बेंजीन और उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड रहेंगे वो। तो लिखो केस वन, इसमें दो केस है, केस वन वैसा केस जिसमें बेंजीन में जो ग्रुप ऐड रहेंगे वो एन अल्केन रहेंगे, एल अल्केन मतलब बिना ब्रांच के, लिखते थे ना एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन लिखते थे बिना ब्रांच वाला का, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन लिखते थे बिना ब्रांच वाले का, ठीक है। तो लिखो केस वन, when simple ब्रैकेट में लिखना non substituted, ठीक है, non substituted, ब्रैकेट क्लोज, n alkyl group is attached to benzene ring, then we take benzene as a parent carbon chain, समझ में आया?
यानी कि उस समय हम लोग बेंजीन को पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे ले लीजिए सी एच थ्री और ये ले ले बेंजीन, ठीक है, ये हो गया। या फिर हम ले लेते हैं सी एच थ्री, सॉरी सी एच टू, सी एच थ्री और ये ले लेते हैं, ठीक है ये। या फिर ले लेते हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है ये ऐसा ये ले लेते हैं, ठीक। या फिर ले लेते हैं और कुछ सी एच थ्री, ये ये ये, ठीक है। देखो जरा साहब, केस वन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम बताओ क्या होगा। तब केस वन में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, ये तुम्हारा होगा आईयूपीएसी में। बात समझ में आया, क्योंकि बेंजीन है क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। यदि केस वन में कोई और चेन, मतलब कि ये जो सब, ये जो बाहर में देखो सब तुमको कॉमन नजर आ रहा है, कोई ब्रांचिंग नजर आ रहा है क्या, ये देखो इतना लंबा है, इसमें कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं। और जब तक ब्रांचिंग नहीं मिले तब तक हम लोग क्या बेंजीन को क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो जी, मिथाइल बेंजीन, बोलो होगा। और ये दो कार्बन का क्या हो जाएगा, ये इथाइल, इथाइल बेंजीन, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, आठ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाइल बेंजीन। ये ऊपर वाले तीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कॉमन नेम का भी हम यहां जानकारी देते हुए एक चीज और इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे यहां पे हम, क्या, तो देखो बेंजीन का यदि हम कोई एक यहां पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला जो ग्रुप है, देख लो ऊपर कोई ग्रुप है, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, कोई भी कहीं पे भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये वाला जो पोजीशन होता है उसको ऑर्थो कहते हैं, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नेम में। और यहां से ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेटा, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला पॉइंट का क्या कहलाएगा, पैरा, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इधर गए तो ऑर्थो ना, तो इधर से यहां आएंगे तो ये भी क्या होगा, ऑर्थो, और यहां से यहां आएंगे तो ये भी क्या होगा, मेटा। यानी कि यदि हम इस रेफरेंस पॉइंट को वन माने, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो ये भी क्या होगा, टू थ्री फोर, बोलो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1:2 जो होगा वो ऑर्थो होगा, 1:3 जो होगा वो क्या होगा, मेटा होगा, और 1:4 जो होगा वो क्या होगा, पैरा होगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, इसको कहते हैं ज़ाइलीन, क्या बोलते हैं, ज़ाइलीन, ठीक है। तो ये 1:2 पे है ना, कॉमन नेम हम सबसे पहले सबका लिख रहे हैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ ज़ाइलीन, समझ में आया, 1:2 पे है तो ओ ज़ाइलीन, 1:3 पे है बताओ क्या हो जाएगा, बोलो एम ज़ाइलीन, मेटा पे आ गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम ज़ाइलीन, मेटा भी लिखो लेकिन ओ एम ही लिखा हुआ नजर आएगा, ये क्या होगा, कॉमन नेम बताओ, बोलो पी ज़ाइलीन, समझ में आया।
अब आ जाओ आईयूपीएससी नेम में, तो आईयूपीएससी में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबरिंग दे दिए ना, तो क्या होगा 1.2 डाइमिथाइल बेंजीन होगा, इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 1.3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका क्या होगा, ये 4 है 1.4 डाइमिथाइल बेंजीन। कल हम लोग केवल कॉमन नेम पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझ में आया, यदि आज का कुछ रह जाता है तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज कॉमन नेम, लेकिन कुछ कॉमन नेम अभी बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसका बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, अच्छा ये इधर से करेंगे तो 1, 2 और इधर से भी करेंगे तो 1, 2 आ रहा है, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रीफिक्स रूल, नंबरिंग किधर से करें भैया, 1, 2, 1, 2 आ रहा है, लोएस्ट लोकेंड दोनों का सेम है 1, 2, 1, 2, तो क्या जाएंगे प्रीफिक्स, पहले मिथाइल या पहले इथाइल, बोलो इथाइल, तो ये होगा 1 और ये होगा 2, नाम क्या लिखेंगे 1-ethyl और -2-methyl और ये क्या हो जाएगा बेंजीन, समझ में आया, ये क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तो ये तुम्हारा लोएस्ट लोकेंड भी फॉलो कर रहा है, नाम क्या हो जाएगा 1.3.5 ट्राइमिथाइल और बेंजीन, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या होगा, पहला पे ही क्या है, ये साइक्लोहेक्साइल है ना, तो क्या होगा 1-cyclohexyl बेंजीन, तो ये पहला केस आया है एरोमेटिक का, देख लो, अब लिखो केस टू, ठीक है, केस टू लिखेंगे, केस टू में क्या है, इफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन मतलब कि नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें ब्रांचिंग वाला कार्बन चेन यदि जुड़ा रहेगा, इफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन इज अटैच्ड टू बेंजीन, इफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन is attached to benzene, the benzene, ठीक है, will be treated as side chain,
द बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन एंड वी विल राइट and we will write phenyl phenyl and we will write phenyl as prefix for benzene. बात समझ में आया? क्लियर है ना? यदि कोई ब्रांच आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, लेकिन याद रखना वो डायरेक्ट नहीं, अलग के सही है, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, कुछ उसमें और ऐड हो जाए, तब हम लोग बेंजीन को क्या मानेंगे? आ जा साइड चेन, और फिर उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, बेंजाइल लिखेंगे, बेंजाइल, है ना? देखो अब एग्जाम्पल लिखते हैं. क्या लिखेंगे इसका? नंबरिंग कहां से करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये वाला होगा ना? हाँ, नंबरिंग कहां से? ये 1, और ये क्या होगा? 2. समझ में आया? और पहले पे ही देखो अल्कोहल है ना OH, तो नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 फेनाइल, ठीक है, और 2 कार्बन का हो जाएगा इथेनॉल, OL लिखेंगे ना आप, ठीक. इसका बताओ क्या होगा? ये तुम्हारा होगा पेरेंट कार्बन 1, 2 और 3. क्या लिखेंगे? 1 फेनाइल, और ये, हाँ, ये क्या है? कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसके लिए 3 कार्बन का क्या लिखेंगे? प्रोपेन -2-ONE. हालांकि कीटोन जो है वो दूसरे पे ही, यदि नंबर नहीं दिए तो दूसरे पे ही है, ठीक है, लिख दो 2-ONE. इसका बताओ क्या होगा लॉन्गेस्ट? ये होगा, तो ये होगा 1, 2 और 3. क्या लिखेंगे? क्लोरो का पहले सी और फेनाइल का पी, क्या लिखोगे? क्लोरो ना, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 फेनाइल और प्रोपेन, ठीक है. उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे? ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4. 3 फेनाइल और 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड. इसका बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा?
ये वाला होगा ना, और ये क्या है एमाइन ग्रुप, मेन कार्बन आ गया, क्या लिखते थे अल्केनामाइन लिखते थे ना, और ये 1 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबरिंग पहले ब्रोमो की तरफ से, क्यों, क्योंकि ब्रोमो भी और फेनाइल भी है, दोनों 1-1 पे आ रहा है, तो प्रीफिक्स रूल लगाएंगे ना, इसका प्रीफिक्स पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1-bromo-3-phenyl, उसके बाद क्या लिखेंगे प्रोपेनामाइन। ये देखो इसका बताओ, इसका एक कॉमन नेम है, बड़ा फेमस है, आगे इस्तेमाल होगा पूरा आईयूपीएसी, ज्यादा कॉमन नेम इस्तेमाल होगा इसका, एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। इसका बताओ ये होगा 1, ये होगा 2, तो नाम क्या लिखेंगे 1-benzyl आईयूपीएसी, 1-phenyl, और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, बोलो जी बोलो, इथेन, ठीक है, इथेनॉन, ठीक है। ये देख लो जरा सा, ठीक। अब बताओ इधर इसका नाम, इसका भी एक कॉमन नेम है, ये भी फेमस है, बहुत इस्तेमाल होगा, इसको कहते हैं बेंजोफेनॉन, ठीक है। और इसका नाम दोनों तरफ चूंकि फेनाइल है, यही एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1,1 बोलेंगे ना, हाँ समझे समझे समझे, -2-amine, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही क्वेश्चन है ना, हाँ। तो इसको क्या लिखेंगे, डाइफेनाइल, या 1,1 लिख दो, या लिखते हैं 1,1 डाइफेनाइल, और ये पहले कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे मिथेनॉन, ठीक है। इसका बताओ क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, चूंकि सिमेट्रिकल है, इधर से लो ये उधर से बात एक ही है, और तीसरा पे क्या होगा फेनाइल, ठीक है, और 5 कार्बन का पेंट, ठीक है, सॉरी पेंटेन, -di-pentane, ई भी लिखेंगे क्योंकि डी लगेगा, 2,4-diol, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो तुम्हारा हो गया, दोनों केस बता दिए एरोमेटिक का। अब कंपाउंड कुछ वैसे भी हैं जिनका कॉमन नेम जो है वो एक्सेप्टेड है एज अ आईयूपीएससी, ठीक है, यानी कि जो उनका कॉमन नेम है उसको हम लोग आईयूपीएससी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसका कॉमन नेम भी आईयूपीएससी वाले ने एक्सेप्टेड रखा है, यानी वो बहुत फेमस है, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे अभी, तो हेडिंग डालेंगे उसके बाद, कंपाउंड हुज कॉमन नेम मिटा दे, ये मिटा इस साइड का, कंपाउंड्स हुज कॉमन नेम, ठीक है, एक्सेप्टेड एज अ आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो पहले कुछ हम लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे जिसका हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं।
ये रहा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और एक और देखो जी, हम क्या बोले हैं यहाँ पे बताए हैं, यदि CH2 मतलब एक वैलेंसी खाली रख के कुछ सब्स्टिट्यूट होता है तो उसका नाम बेंजाइल आगे में लिखेंगे। आगे में क्या लिखेंगे? बेंजाइल। प्रीफिक्स अब हो गया ना, वो आजा बेंजीन क्या आजा प्रीफिक्स हो गया, तो क्या लिखेंगे? बेंजाइल। लेकिन दो वैलेंसी खाली होकर के कुछ ऐड हो रहा है तो लिखेंगे बेंजल, और तीन सफिक्स खाली, तीन वैलेंसी खाली होकर के लिख रहा तो लिखेंगे बेंजो। समझ में आया? क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम? तो अब जरा सा देखो, पहले हम कुछ का कॉमन नेम बता रहे हैं, उसी इसी ये कॉमन नेम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है तुम्हारा? कॉमन नेम से, ध्यान में रखना। उस हिसाब से यदि हम नाम लिखें तो इसका नाम जो होगा, देखो क्या होगा इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा? यहां से कितने वैलेंसी खाली तुमको नजर आ रहे हैं? इस कार्बन से तीन है, तीन है ना, दो ऑक्सीजन को और एक इधर ऑक्सीजन को, मतलब दूसरे कुछ लगे हुए हैं, तो इसका नाम होता है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। ठीक है, इधर इस कार्बन से बताओ कितने अलग हैं, डिफरेंट है तीनों, अरे है ना, देख लो जरा सा। तो इसका नाम आगे में क्या लिखेंगे? बेंजो, और वहां देखो ऑयल है ना, हैलाइड के लिए लिखते थे ना सफिक्स, तो बेंजोइल क्लोराइड कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी हम। ठीक है, इसका बताओ क्या लिखाएगा? इसका भी तीनों डिफरेंट है ना, तो इसका भी तुम्हारा लिखा जाएगा बेंजो, सॉरी बेंजामाइड। ठीक है, चलो
इसका बताओ क्या लिखोगे, इसका कितना खाली है, तीनों तीनों डिफरेंट है ना, तो क्या लिखेंगे, बेंजोएनहाइड्राइड। हाँ, और यहाँ पे देखो तुम्हारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ, मान लेते हैं यहाँ लगा देते हैं सी एच टू और ये सी एच थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्काइल एनहाइड्राइड लिखते थे ना, तो ये क्या लिखेंगे, इथाइल बेंजानोएट। एक सेकंड, ये हमको इस्टर लिखना था, मैंने एनहाइड्राइड लिख दिया है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस्टर ग्रुप है ना, देख लो इस्टर है, तो अल्काइल अल्कानोइड लिखते थे, याद आ रहा है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल और ये पूरा का बेंजानोएट। ठीक है, और आगे देखो, ये आगे हो गया तुम्हारा, उसके बाद कौन सा हम लोग, सी एन बेंजोनाइट्राइल, इसका कॉमन नेम है, सब रेड से जो लिख रहे हैं, इसका ये तुम्हारा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। देखो ये वाला बेंजल, दो खाली है ना ऑक्सीजन, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका होता है, क्या लिखते हैं इसको, फीन भी लिखते हैं, फीन, इसका कॉमन नेम में ये पार्ट को लिखते हैं फीन, क्या लिखते हैं, फीन, पी एच ई एन, और इसमें ऑयल जुड़ेगा ये वाला पार्ट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेनॉल, कॉमन नेम है ये। ठीक है, और इसका देखो क्या हो जाएगा, ये एमाइड, ये सिंगल वाला है ना, बेंजाइल एमाइन, समझ में आया, और इसको एनिलीन भी कहते हैं, एमाइन बेंजीन, एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, या बेंजीन एमाइन, तीनों नाम लिख देते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन नेम है वो लिखते हैं एनिलीन, कॉमन नेम एनिलीन लिखता है। ठीक है, अब देखो सबका आईयूपीएससी बता देते हैं, तो आईयूपीएससी जो पहला वाला का होगा वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट किसमें, डायरेक्टली अटैच है किससे, पैरेंट चेन से। हाँ, नाम इसका हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएससी बता रहे हैं, अच्छा सॉरी, साइनाइड वाला है ना इसका, है ना, ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग क्या लिख देंगे, ये बेंजामाइड का जो है उसमें हम लोग लिखेंगे एमाइड वाला है ना, ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये हो जाएगा इसका जो इस्टर वाला दिया हुआ, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये इथाइल वाला पार्ट होगा, आईयूपीएससी जो होगा इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, और ये अगला तुम्हारा जो है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये हो जाएगा, और ये तुम्हारा दिया हुआ है बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। ये देखो सबका सुपर सफिक्स लग रहा है, लग रहा है ना, सुपर सफिक्स सबका लग रहा है, इसका होगा बेंजीनॉल। बेंजीन का ई हटा के ऑयल लगा है, बेंजीनॉल, और इसका होगा एमिनो बेंजीन, इसका क्या क्या हो सकता है, एमिनो बेंजीन, या लिख सकते हैं बेंजीनामाइन। तो ये रहा तुम्हारा एरोमेटिक का कुछ।
ठीक है, और जो कुछ है, और ये उसका नाम हम तुमको बताए हैं, ठीक है। ये वैसे आठ कंपाउंड, आठ है ना, चार और चार आठ, वैसे आठ बताए हैं जिसका IUPAC कॉमन नेम एक्सेप्टेड है, जा बोलो IUPAC, ये आठ है, इज दैट क्लियर। तो बाकी एरोमेटिक का तो कैसे लिख रहे थे वो बता ही दिए, नाम कैसे लिखे IUPAC, लेकिन ये आठ का जो कॉमन नेम है वह एक्सेप्टेड है जा IUPAC, तो ये ध्यान में रखना। यदि कहीं पे लिखा हुआ बेंजोइक एसिड IUPAC में, ये सॉरी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन में दोनों है तो दोनों करेक्ट होगा, यदि ए एंड बी दोनों डाला हुआ तो दोनों करेक्ट होगा, मोर करेक्ट तो यही होगा, लेकिन ऑप्शन एक ऑप्शन ए एंड बी बोथ है तो फिर उसको हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी तो उमर कुछ दिया था ना सर, कुछ तो था है, पूछना था ना, ठीक, उसका कार्यक्रम चालू करते हैं, पहले छापो।